बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में दो मैसेज के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने एक्सेलरेशन, टेंशन और ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड की थी जब दोनों जो थे वो वर्टिकली मूव कर रहे थे। आज हमने डिस्कस करना है दो मैसेज के बारे में जिसमें एक जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा होगा और एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा। बॉडी ए है और इसके अलावा बॉडी बी है। इसमें इसका मास जो है या जो इसका वेट है वो क्या है, m1g, और टेंशन जो है वो अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। और इसी तरह से ये बॉडी बी है, इसके अंदर जो जो वेट है वो क्या है, m2g, और इसकी भी जो रेजिस्टिव फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब जैसे ही हम जो है इस स्ट्रिंग की मदद से या स्ट्रिंग को हम नीचे की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेंगे, जो बॉडी ए है वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा और जो बॉडी बी है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही ये अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा होगा तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो इसकी हम डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी ए की। बॉडी ए में हमने जैसे प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि हम फोर्स ले रहे होंगे F1 इज इक्वल टू m1g माइनस t बॉडी ए के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे F1 जो है वो इक्वल आ जाएगा m1a के, और ये बन जाएगा m1g माइनस टी। दैट्स इक्वेशन नंबर 1, इट इज़ रिलेटेड टू बॉडी ए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट बॉडी बी। तो इसमें बॉडी बी में देखें बच्चों कि वेट जो है वो बॉडी का वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है जबकि जो टेंशन है वो अपवर्ड है। तो ये टोटल फोर्स यहाँ पे F2 जो है वो इक्वल आ जाएगी टी के। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन टोटल बन जाएगी m2a इज इक्वल टू टी। ये हमारे पास बन गई हैं दो इक्वेशंस, मतलब कि क्योंकि देखें कि डाउनवर्ड ये मूव कर रहा है तो इसमें जो है वो ग्रेविटी सिर्फ जो है वो स्ट्रिंग की टेंशन होगी, तो ये ग्रेविटी जो है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होगी। अब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को करेंगे ऐड। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या बनेगा, यहाँ पे देखते हैं कि ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये इक्वेशन बन जाएगी m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m2g माइनस टी प्लस टी। तो उसके बाद जो है ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी m1a प्लस m2a इज इक्वल टू प्लस टी, और माइनस टी कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगी m2g। यहाँ से a को कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 ये a आ जाएगा और ये बन जाएगा m2g। यहाँ से क्योंकि हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, देन a विल बी इक्वल टू m2 ओवर m1 प्लस m2g। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्सेलरेशन की। अब हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है m2a इज इक्वल टू t, इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगी m2 ओवर m2g ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t। तो ये टोटल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, यहाँ से जब हम ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करेंगे जी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे टी जो है वो इक्वल आ जाएगा m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 होल जी। ये आ गई है टेंशन की वैल्यू, और ऊपर वाली जो है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और इसकी मदद से हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से देख लेना, इसमें अगर आप जी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो भी इजीली आ जाएगी। और जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें m1 की वैल्यू दी होगी, m2 की वैल्यू दी होगी, और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता ही है, टेंशन या एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। होप सो कि ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।